मध्य प्रदेश के मौसम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले का भी मौसम अपडेट हम देख सकें। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है तो अंत तक इसे जरूर देखें। चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में तापमान कैसा रहने वाला है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से इलाके में तापमान कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहने वाला है, मध्य प्रदेश में ठंड की क्या हाल है और कितना ज़्यादा तापमान बना हुआ है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों का हाल, यानी कि मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में कहाँ पर कितना तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश के मालवांचल इलाके में जमकर ठंड का माहौल है। काफ़ी ज़्यादा दिन के तापमान में गिरावट हुई है। इंदौर के साथ ही भोपाल समेत कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जमकर अभी बारिश हो गई है, जिसके बाद से ठंडी हवाओं का दौर जारी है और काफ़ी ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा है। आपको बता दें कि इंदौर भोपाल समेत कई ज़िलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठंडक का एहसास होना पड़ा है। दिन के समय में भी गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत महसूस हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगले 36 घंटे के दौरान इंदौर भोपाल उज्जैन और होशंगाबाद समेत कुछ ज़िलों में फिर से बारिश होगी, यानी कि तापमान और भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। आपको बता दें कि दिन के तापमान में ज़्यादा अंतर देखा जाएगा, जबकि रात के तापमान में उतना ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अलग अलग ज़िलों की अगर तापमान की बात की जाए तो आपको बता दें कि बादलों के कारण दिन के तापमान में गिरावट रही, लेकिन रात का पारा ज़्यादा रहा। भोपाल में बुधवार गुरुवार की रात न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहा, जबकि अभी वो 16 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि सामान्य से 4 डिग्री अधिक है, यानी कि रात का तापमान ज़्यादा है, वहीं दिन का तापमान जो है वो काफ़ी कम है। अगर अलग अलग शहरों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान रात में दतिया में रिकॉर्ड किया गया, यहाँ पर 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा। शाजापुर में 16.3 डिग्री सेल्सियस रहा। राजगढ़ में 16.2, ग्वालियर में 14.5 रहा, यानी कि न्यूनतम तापमान जहाँ पर ज़्यादा रहा। तो वहीं आपको बता दें कि इंदौर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इंदौर में न्यूनतम तापमान 13.6 रहा। ग्वालियर में रात का न्यूनतम तापमान जो है वो 14.5, भोपाल में 16.2 और जबलपुर में 13.2 रहा, यानी कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि दिन में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठिठुरन महसूस हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में बारिश हो सकती है। जिन इलाकों में बारिश हो सकती है उसमें बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन ज़िले शामिल हैं। यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, साथ ही बिजली भी गिर सकती है। इसके अलावा भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन संभाग के ज़िलों में और सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सीधी, सिंगरौली ज़िले में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कहां पर बारिश हुई ये भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि भोपाल में गुरुवार सुबह से हल्की बूंदाबांदी जारी रही। इसके अलावा आपको बता दें कि 24 घंटे के दौरान बड़वानी के सेंधवा में 1.5, अंजड़, निवाली, सिटी, पार्टी में 21, राजपुर, ठीकरी में करीब 1 इंच और चचरिया, पार्टी, पानसीमल में 16, वरला में आधा आधा इंच और धार के कुक्षी में 1.5, मनावर, गंधवानी, सरदारपुर, अलीराजपुर, खरगोन, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, देवास और शाजापुर में आधा इंच से लेकर 1 इंच की बारिश हुई, यानी कि दिन भर से बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब और भी ज़्यादा तापमान में गिरावट आएगी, क्योंकि अभी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में साइक्लोन के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और करीब ये 36 घंटे तक सक्रिय रहेगा और इस पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव है, जिसके कारण आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में बारिश होगी। और आपको बता दें कि अगला पश्चिमी विक्षोभ 4 दिसंबर को सक्रिय होगा और 5 दिसंबर से प्रदेश में जोरदार ठंड पड़ सकती है, यानी कि 5 दिसंबर से पूरे ही मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है और ख़ास तौर पर मालवांचल, यानी कि इंदौर, धार, उज्जैन, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, इन शहरों में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा।
हर दिन मौसम से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।